मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत में अभी किस प्रकार की खबरें चल रही है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जॉब है, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जॉब नहीं है, राहुल गांधी ने ये कह दिया, अरविंद केजरीवाल ने वो कह दिया। ये सब चुनावी मुद्दे और पॉलिटिकल मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये सब मेन इशू नहीं है। इंडियन मीडिया को मेन इशू पे फोकस करना चाहिए और इंटरनेशनल मीडिया से कुछ प्रेरणा लेना चाहिए। पूरी दुनिया एक बहुत ही चिंताजनक खबर में डूब चुकी है, और वो है थाईलैंड में 12 बच्चे 10 किलोमीटर गहरी गुफा में फंस गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी एक गुफा में कैसे फंस सकता है, जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मुक्तेश मॉडर्न बाबा से। अब पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो ये खबर जब मुझे पता चला तो मैं ये सोचने लगा कि 12 बच्चे गुफा में आखिर फंस कैसे गए? गुफा में जैसे गए वैसे ही वापस भी आ सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ध्यान देने वाली बात यह है कि गुफा ऐसे स्ट्रेट लाइन पे नहीं होता, वो ऐसे ऐसे कर्व्ड टेरेन्स होते हैं, और गुफा कई जगह इतने सकरे होते हैं कि वहाँ पर से सिर्फ एक ही आदमी अंदर जा सकता है। इतने सकरे भी जगह होते हैं गुफा में। और अभी बरसात का मौसम है, तो ये जो गुफा है, इस गुफा के बाहर में एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, एक वार्निंग साइन लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि बरसात के मौसम में यहाँ एंटर ना करें। अब ये सब की शुरुआत ऐसे हुई कि एक मम्मी ने अपने बच्चे के गुम हो जाने का खबर रिपोर्ट कराया। जैसे ही वहाँ के अथॉरिटीज़ को पता चला, उन्होंने सर्च ऑपरेशन चालू किया और वो ये गुफा तक के पहुँचे। गुफा के मेन एंट्रेंस से 700 मीटर की गहराई तक जब वे अंदर गए, तब वहाँ पर उन लोगों के साइकिल्स पार्क्ड मिले। और वहाँ पर से उनको ये भी जानकारी मिली, जब उन्होंने स्कूल वगैरह और इधर उधर से जब पता किया, तब उन लोगों को पता चला कि 12 बच्चे और एक 25 साल के असिस्टेंट कोच भी उनके साथ हैं। अब जैसे ही वहाँ पर अंदर जाते गए, अभी बरसात का मौसम है, वहाँ पर पानी भर चुका था और कई जगह में इतना ज़्यादा गहरा था पानी कि वहाँ पर एक्सपर्ट डाइवर्स की ज़रूरत थी। अब एक्सपर्ट डाइवर्स को उन्होंने अपनी मिलिट्री आर्मी नेवी सील से उन्होंने बुलाया। अब नेवी के एक्सपर्ट लोग वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उन लोग अंदर जाके उन लोग देखने लगे, ढूंढते रहे, और ऐसा ये सर्च ऑपरेशन 9 दिनों तक के चला। इन सारे सर्च ऑपरेशंस में इंटरनेशनल कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मदद भेजी, ब्रिटिशर्स ने अपनी मदद भेजी। तो ब्रिटिश के 2 एक्सपर्ट डाइवर्स हैं जिन्होंने 2004 में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, वो जब इस मिशन में इन्वॉल्व हुए तो वो अंदर जाते गए, और अंदर जाते जाते उन्होंने सोचा कि 1.5 किलोमीटर के अंदर एक पटाया बीच नाम का लोकेशन है, वहाँ पर हो सकता है कि वो अपना सेफ हाउस बना के बैठे हों। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी वो नहीं है। फिर और 200 मीटर अंदर जाने के बाद वहाँ पर दिखे कि बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ पर कीचड़ है, वहाँ पर बहुत ही छोटा सा जगह है जहाँ पर पानी से जस्ट ऊपर वो बच्चे बैठे हुए हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि 10 दिनों से कूप अंधेरा, वहाँ पर कोई भी पानी वानी का सोर्स नहीं है, वहाँ पर हवा भी कैसे पहुँच रहा है पता नहीं, और खाना तो आप सोच भी नहीं सकते, खाना तो है नहीं, वहाँ पर वो बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं, कितनी दयनीय स्थिति। ये जब मुझे पता चला तो मुझे लगा बाप रे, इसके लिए तो कुछ करना ही चाहिए। अब बच्चों को ढूंढना ही इस मिशन को अंत नहीं करता, क्योंकि अभी इस बच्चे सिर्फ मिले हैं, अब उनको वहाँ पर से बाहर भी निकालना है। जैसा कि आपने देखा कि एक्सपर्ट डाइवर्स ही अंदर जा सकते हैं, वैसे ही अगर एक्सपर्ट डाइवर्स होते तो वो आसानी से बाहर आ सकते थे, उनके पास ज़रूरी सामान भी नहीं है। तो वहाँ पर अभी फ़िलहाल का करंट सिचुएशन ये है कि वहाँ पर ज़रूरी साधनों से, ऐसे एक्सपर्ट डाइवर्स की मदद से वहाँ पर खाना पानी और कई महीनों का राशन वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, और लगातार पहुँचाया जाएगा, क्योंकि ये बरसात का मौसम है तो हो सकता है कि ये कुछ ही दिनों में ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि कई महीनों तक ये ऑपरेशन चलता रहे। अब इस गुफा से बाहर आना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि गुफा ऐसा ऊपर नीचा होता है। एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि हम ऊपर से ड्रिल करें और ऊपर से ड्रिल करके वो जगह तक के पहुँचे और वहाँ से बच्चों को निकाल लें, क्योंकि वहाँ पर किसी भी बच्चों को और वो कोच को भी तैरना नहीं आता। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि वहाँ पर से बच्चों को निकालें, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। ऊपर से ड्रिलिंग की और वहाँ पर से गुफा अगर ढह गया तो बहुत ही दर्दनाक हो सकता है। तो इस ऑप्शन को वहाँ के गवर्नर ने डिसीजन लिया कि हम लोग वहाँ पर से ड्रिल नहीं करेंगे। एक और गोताखोर, एक जो ब्रिटिश गोताखोर जिन्होंने ये देखा और ये पाया कि बच्चे वहाँ पर हैं, उन्होंने बताया कि वो बच्चे बता रहे थे कि उनको वहाँ पर
मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी, वहाँ पर कुत्ते के भौंकने का आवाज़ सुनाई दे रहा था, वहाँ पर ऐसी ऐसी कुछ कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो ये हो सकता है कि वहाँ पर से कुछ सुराख है जो ऊपर तक के लेके जाती है। अब वो बच्चे जहाँ पर फंसे हुए हैं वहाँ पर से 1 किलोमीटर ऊपर गहरा है जो ऊपरी सतह है, तो हो सकता है कि कहीं पर हो। तो ये सब लोकेशन लगातार तलाशा जा रहा है। अब वहाँ पर जो गुफा है वो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको इमेजिन करना होगा कि ये 10 किलोमीटर गहरा गुफा है, उन लोग एंट्रेंस पॉइंट से 2 किलोमीटर अंदर गहराई पे फंसे हुए हैं और यहाँ पर तक के 2 किलोमीटर गहराई तक के पानी भरा हुआ है, जगह जगह बीच बीच में पानी भरा हुआ है। अब ये पानी को कई 100 पंपों द्वारा उस गुफा से बाहर निकाल जा रहा है। अब जैसे जैसे हम बाहर निकाल रहे हैं पानी को, वैसे वैसे विजिबिलिटी क्लियर हो रहा है, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें आसान होती जा रही है। लेकिन क्योंकि बारिश का मौसम है तो सिर्फ एंट्रेंस पॉइंट से पानी नहीं घुसता, पानी और भी कई सारे जगह से घुसता है। तो वहाँ पर से पानी घुस रहा है, इधर से निकाल रहे हैं, फिर भी घुसता जा रहा है, फिर भी निकालते जा रहे हैं। तो एंट्रेंस पॉइंट को भी वहाँ पर ब्लॉक किया गया है, कई सारे एंट्रेंस पॉइंट को ब्लॉक किया गया है। बहुत सारे एंट्रेंस पॉइंट को पता लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ओवरऑल देखेंगे कि बहुत ही मुश्किल हालात हैं और वहाँ पर ये बच्चे फंसे हुए हैं। लेकिन जो रिसेंट फुटेजेस जो सामने आई हैं उसमें बच्चे काफ़ी स्वस्थ हैं और डरे हुए भी नहीं हैं, एकदम हिम्मत वाले हैं। और इस गुफा के बाहर हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि वो देख सके कि बच्चे सेफली बाहर आ सकें। सबके फैमिली के साथ साथ कम्युनिटी वाले भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस वहाँ पर आ चुके हैं, आर्मी ने अपना बेस कैंप बनाया हुआ है, वहाँ पर से वो मिशन को अंजाम दे रहे हैं। 12 दिन से वो वहाँ पर फंसे हुए हैं और 3 दिन हो चुके हैं कि हम उन तक संपर्क बना सके हैं। करेंटली वहाँ पर 60 डाइवर्स उनको कंपनी दे रहे हैं, मेडिकल सुविधा है, खाने की सुविधा है और लाइट की भी सुविधा है। मेजर का कहना है कि अगर टेलीफोन लाइन वहाँ तक के बिछा दिया जाए तो उनकी जब परिवार वालों से बात हो जाएगी तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि कई महीनों तक फंसना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बारिश कभी भी मूसलाधार हो सकती है। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक अगले वीकेंड ही वहाँ पर खतरनाक बारिश होने वाली है, जिससे गुफा में पानी भरने की बहुत ज़्यादा संभावना है। गवर्नर का कहना है कि ये वक्त के अगेंस्ट उनका रेस है और उनको जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकालना है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहाँ पर लगातार जारी है, जिसमें मल्टीपल इंटरनेशनल टीम भी इन्वॉल्व है। 3 तरीके से उनको बाहर निकालने का प्लान हो रहा है। प्लान ये है कि उनको वहाँ पर से डाइविंग सिखाया जाए, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता, तो सबसे पहले उनको गोताखोरी सिखाया जाएगा और गोताखोरी करते हुए डाइविंग से वो बाहर निकलेंगे। कई ऐसे भी जगह है जो इतने सकरे हैं जहाँ पर एक इंसान भी फंस जाए, शरीर में कई जगह खरोचे आ चुकी हैं डाइवर्स के। तो कई ऐसे इतने सकरे जगह है जहाँ पर से ऑक्सीजन सिलेंडर को हटा के वहाँ पर से गोताखोरी करके वहाँ पर से बाहर निकला जाएगा। बहुत सारे लोग हैं आसपास के, कुछ प्राइवेट ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं, ऐसे फर्म्स हैं जो उन लोगों को पूरा फुल डाइविंग सूट उनको मुहैया करा रही है, जो फुल फेस मास्क उनको उपलब्ध करा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर उनको उपलब्ध कराएगी कि उन लोग वहाँ से बाहर आ सकें। मुश्किल ये है कि उनको डाइविंग नहीं आती, उनको तैरना नहीं आता और ये थोड़ा समय लगेगा उनको डाइविंग सीखने में। दूसरा प्लान ये है कि वहाँ पर से पानी को बाहर निकाला जाए और वो वहाँ पर से पैदल ही लाइफ जैकेट पहने हुए बाहर आ जाए, लेकिन ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे तो वहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा पानी वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है और भी वहाँ से लगातार पानी बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन जैसे ही बारिश होगी वहाँ पर से भरने का डर फिर से वापस आ जाएगा। तीसरा प्लान ये है कि वह उन तक ड्रिल करके पहुँचा जाए, लेकिन हम पहले ही इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं ये कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही वहाँ से बाहर आएं और मेरी दुआ और हम सब की दुआ उन तक पहुँचे। दोस्तों, इसी प्रकार की बहुत ही यूनिक कंटेंट्स हम आप तक लाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये जो खबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके लिए दुआ कर सकें ताकि वो वहाँ से बाहर आ सकें, आप तो जानते हैं कि दुआ में कितनी शक्ति होती है। तो कृपया इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर कोई, हर भारत देशवासी उनके लिए दुआ करे और वो वहाँ से जल्द बाहर आ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही लगातार कंटेंट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।